नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुँचे हैं सेक्टर 16 किसान भवन में। यहाँ पर आपको बता दें, भगत धन्ना जी की जो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की, उसके लिए एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं विजेंद्र नेहरा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज जो इतनी बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, सैकड़ों की तादाद में जाट समाज से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इस बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है समाज के सभी वर्गों के जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी जयंती को सरकारी तौर पर मनाने की। इसी कड़ी में जो धन्ना जाट जी हैं, भगत धन्ना जाट जी, उनकी जयंती को 23 अप्रैल को कैथल में हरियाणा सरकार सरकारी तौर पर मना रही है। आज उसका निमंत्रण देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के और इस समय हरियाणा सरकार में चेयरमैन बड़े भाई सुभाष बराला जी हमारे बीच में आए थे, और जाट समाज के जो प्रमुख लोग हैं फरीदाबाद के, उनको हमने बुलाया था और यहाँ फरीदाबाद में किसान भवन में उनकी एक बैठक उनके साथ कराई है। अभी भी वो अंदर बैठक हमारी अभी चल रही है, छोटी टोली की बैठक, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 अप्रैल को हम सब लोग कैथल जाएंगे। एक अहम सवाल जो सभी के मन में आ रहा है कि इस समय ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो भगत धन्ना जी की जयंती को सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर मनाने का घोषणा करना पड़ी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा सरकार, चाहे वो कोई भी जाति बिरादरी हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, जैसे पीछे आपने देखा हो कि भगवान परशुराम जी की जयंती को हरियाणा सरकार ने सरकारी तौर पे मनाया था, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को भी मनाया था, अम्बेडकर जी की जयंती को भी मनाया था, तो जाट समाज के जो महापुरुष हैं भगत धन्ना जाट जी, उनकी जयंती को भी सरकारी तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के लिए चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, सब समान है, हमारे लिए किसी में कोई भेद नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी और जाट समाज के बीच में भेद पैदा करें, लेकिन वो भेद इसलिए पैदा नहीं हो सकता कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे जो संगठन के शिल्पी हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके लिए सब बराबर हैं, सब समाज, सब बिरादरी बराबर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी चुनावी माहौल के चलते ये घोषणाएं की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव तो सभी पार्टियों के लिए है और हमने तो परंपरा 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी, सभी समाज के महापुरुषों के हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो उसमें जाट समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, दलित वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, हर वर्ग के महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं, और शहीदों को सच्चा सम्मान देना, महापुरुषों को सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। सर छोटू राम जी की प्रतिमा हमने लगाई थी हमारे ही कार्यकाल के अंदर, बल्लौड के अंदर, राजा नाहर सिंह जी का 150 साल से ज़्यादा का बलिदान का इतिहास है, आज तक कभी किसी ने प्रतिमा नहीं लगाई, और हमारे मूलचंद शर्मा जी जो मंत्री हैं बल्लौड के, उनके सहयोग से और हमारे जो जाट समाज के सहयोग से बल्लंगड़ में 2-2 राजा नारसिंह सिंह जी की प्रतिमाएं बन रही है, तो भाजपा सबका सम्मान करती है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद को समय देने के लिए हैं हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी। सर नमस्कार। आज ये जो बैठक है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, 23 अप्रैल को हरियाणा सरकार द्वारा भगत धन्ना जी की जयंती मनाई जाएगी कैथल जिले के धनोरी गांव में, और उसी जयंती के लिए मैं आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ फरीदाबाद के किसान भवन के अंदर आया था। यहाँ जाट समाज के जो अलग अलग इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनके प्रमुख यहाँ पर हैं, अन्य सामाजिक वर्गों के प्रमुख नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इन सब के सामने मैंने वहाँ पहुँचने का निमंत्रण रखा, और उस दिन 23 अप्रैल को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम धनोरी गाँव में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी उसकी अध्यक्षता करेंगे और देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी। जी सर, इतना बड़ा जो फैसला लिया है सरकार ने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने हर जयंती के लिए, चाहे कबीर जयंती हो, चाहे सूरदास जयंती हो, चाहे गीता महोत्सव हो, चाहे परशुराम जयंती हो, अब धन्ना भगत की जयंती, जो हमारे महापुरुष हैं जिनको लोग भूल रहे थे, हमारी आने वाली पीढ़ी जिनसे प्रेरणा लेती है, उनकी जयंती मनाकर एक बहुत बड़ा सराहनीय काम किया। मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने धन्ना भगत जी को, हम तो जब छोटे थे, जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे, आज से 40 साल पहले जब पढ़ते थे, अब आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं था, तो इसलिए जो हम महापुरुष, जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है, तो उसकी संस्कृति का, उसके संस्कार का विकास नहीं होता, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाना, उनको इतिहास के बारे में हम जानकारी लें, हमारी आने वाली पीढ़ी जानकारी लें, ताकि एक ऊर्जा और एक शक्ति हम प्राप्त कर सकें। ये हो जाएगा भी, आप लोगों की हाजिरी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। भारत माता की, धन्ना भगत जी की, धन्ना भगत जी की, बहुत बहुत धन्यवाद।